हरियाणा के सिरसा जिला के उपमंडल मंडी टब्बाली के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खूबसूरत प्रांगण में आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह का 111वां जन्मदिन वर्चुअल क्लब के तत्वाधान में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी श्री बलजिंदर सिंह भंगू पहुंचे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस अवसर पर नगर की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने शहीद के चित्र पर माला अर्पण की और पूरे जोश खरोश के साथ देशभक्ति के नारों से आकाश को गुंजा दिया। माता की इनकलाब, तालियों के साथ इनकलाब, 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 हमारे बीच में इनकलाब, इनकलाब, समाज से भी हमारे बीच में है, नेतागण भी है। यहाँ पहुँचने पर वर्चुअल क्लब की ओर से उनका स्वागत करते हैं हमारे आदरणीय किसी स्कूल के प्रिंसिपल, एक्स प्रिंसिपल सरदार सुरजीत सिंह जी मान आए हैं। तालियां लगाइए जोरदार। सुरजीत सिंह जी मान हमारे बीच में है लखा, और हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा देश है। और फिर मंच के माध्यम से तो शुरू हुआ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का। बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाए और पूरे माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। उस कौम नू सदा इतिहास पूछे, इतिहास के जो कौम जर जांदी कहिंदे गोरियां मुकदमा करिया, कहिंदे गोरियां गोरियां मुकदमा करिया, कहिंदे गोरियां मुकदमा करिया, भगत सिंह सूरमे ते दफा लाके लाके
फांसी 300 गोदी ते फांसी वाली सजा करती गोरे जजने 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 सुना दिता फैसला सुन सुन बोले सूरमा मखणा मखणा देश नु प्यारा जिंद तो असी रखना देश तो प्यारा जिंद तो असी रखना देश नु प्यारा जिंद तो असी रखना ओ भगत सिंह जे आवीर जे बन जे नजरी उतारा वीर दी अज सुनी कहानी अमड़ी कोलो भगत सिंह जे वीर दी सुनी कहानी अमड़ी कोलो भगत सिंह जे वीर दी भगत सिंह जे आवीर जे बन जे सुनी कहानी अमड़ी कोलो भगत सिंह जय वीर दी। शिक्षा के क्षेत्र में देखो आपको मौका दे रखा है कि आप पढ़ो अपना कैरियर बनाओ लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। तो शहीद आजम भगत सिंह एक ऐसी महान शख्सियत जिनको पढ़ो और उन्होंने एक हमारे को संदेश दिया वो इतना पढ़ते थे आपके लिए एक नमूना है। आप विद्यार्थी होके नहीं पढ़ते जितना वो अपने आप में प्रभावित करने के लिए अपने व्यक्तित्व को निर्माण करने के लिए उन्होंने खूब स्टडी की और जब उनको फांसी दे जानी थी उस वक्त भी वो अपना लेनिन पढ़ रहे थे। तो ये हमारे सामने उदाहरण है कि वो कितने महान व्यक्तित्व के मालिक थे। इंटेग्रेटेड पर्सनैलिटी थी उनकी। उनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि वो आतंकी थे नास्तिक थे। मैंने इसको भी काटा है। एक बार हमने बीएड कॉलेज में एसडीएम सैनी साहब ने कहा था कि ये बंदा नास्तिक था। मैंने कहा श्रीमान जी मेरी बात सुन लो, कौन होता है नास्तिक जिसका विश्वास ना हो। और इस बंदे में इतनी आस्था अपने विश्वास मैन ऑफ कन्विक्शन इतनी मजबूत इरादे का बंदा उसको आप नास्तिक नहीं कहते। तो ये है महान व्यक्तित्व के मालिक। आओ आज हम उनके पवित्र जन्मदिन को मनाएं और उनसे प्रेरणा लें। आदरणीय साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम जिस महान आत्मा जिस महान विभूति जिस महान बलिदानी के जन्मदिन पर इकट्ठे हुए हैं वो हमारे देश का बहुत बड़ा योद्धा है सरदार भगत सिंह। जैसे ही कोई किसी बलिदानी की या किसी क्रांतिकारी का हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले एक ऐसे शख्सियत एक ऐसी फ़ोटो हमारे सामने आ जाती है जो बहुत मासूम चेहरा है जिसकी उम्र 21-22 वर्ष है और जो बड़ा ज्ञानी है बड़ा तपस्वी है और बड़ा महान चिंतक है। ऐसा व्यक्ति ऐसा वो योद्धा ऐसा चिंतक वो सरदार बहादुर भगत सिंह है जिसने पूरे अपना पूरा जीवन छोटा सा जीवन छोटे से जीवन में जिसने इतना बड़ा काम किया है हम सोच भी नहीं सकते। नव प्रगति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने श्री वेद भारती जी के कुशल निर्देशन में कोरियोग्राफी मैं फिर आवांगा के माध्यम से व्यंग किया और वर्तमान स्थिति पर कटाक्ष किया और शहीदों के सपनों को साकार करने का सैकड़ों बच्चों को संकल्प दिलाया। इस अवसर पर राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने अमर शहीद शहीद आजम सरदार भगत सिंह के जीवन चरित्र पर एक कोरियोग्राफी अमर बलिदानी की। अमर बलिदानी के माध्यम से शहीदों के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया गया। वर्चुअस क्लब की ओर से सभी कलाकारों को पुरस्कार दिए गए। सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ मिलकर
वर्चुअस क्लब का यह प्रयास पूरी तरह सफल रहा और शहीदों के सपनों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आगे भी जारी रहेगा। हम सब मिलकर शहीदों के सपनों को साकार करेंगे और हाथ उठाकर मुस्कुराकर कहेंगे, जिंदगी जिंदाबाद टू द पॉइंट।